सबसे पहले आप HDFC लाइफ देखिए। थोड़ी देर पहले शो के शुरुआत में इस शेयर पे राजेश जी ने खरीदारी करने की सलाह दी थी, क्या तेजी देखने को मिली शानदार दिन के ऊपरी स्तर के आसपास। उन्होंने 720 का लक्ष्य बताया था, 687 का स्टॉप लॉस बताया था और 695 के आसपास उन्होंने खरीदारी करने की सलाह दी थी, यानी वहां से करीब 15 रुपये की तेजी देखने को मिली है। राजेश जी जल्दी से बताइए, 30 सेकंड में होल्ड करें या प्रॉफिट बुक कर ले एक बार के लिए, कल के लिए लेके जाए। नहीं, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। पूरा इंश्योरेंस सेक्टर में ही एक बज बना हुआ है और अभी आपने एक खबर भी इससे रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस करी है। हमें लगता है जिस तरीके से ब्रेकआउट बना HDFC लाइफ में, होल्ड करें इस शेयर को। 720 के लक्ष्य हमें लगता है कल सुबह ओपनिंग में आते हुए दिख सकते हैं, 100 रुपये का तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अब फटाफट 2 स्टॉक्स और दिखाइए, जिस तरीके HDFC लाइफ मैंने बात की, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। अब जिंदल स्टील देखिए और HDFC AMC देखिए, इन दोनों शेयरों में भी तेजी बढ़ती हुई दिख रही है और ये दोनों शेयर भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचे हैं। फटाफट रुचित बताइए, इन दोनों शेयरों में से कोई पसंद आ रहा है आपको BTST के लिए? HDFC BTST के लिए खरीदारी की जा सकती है, तो यहाँ पे ब्रॉडर ट्रेंड अच्छा है और 20 डेज ईएमए सपोर्ट भी स्टॉक ने इंटैक्ट रखा है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि अनुमान के ट्रेडिंग सेशन अगर लेके जाए तो 3060 के अराउंड के लक्ष्य एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग पोजीशंस की आप BTST करते हैं उसको 2980 के नीचे जो कर सकते हैं। ठीक है, और धोनी एक्सिस बैंक को BTST करें, एक्सिस बैंक BTST। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे एक्सिस बैंक के अंदर हमें जो आज के दिन में तेजी देखने को मिली है, दिस इज वन ऑफ द ओनली स्टॉक जिसने बैंकिंग सेक्टर को यहाँ पे थोड़ा बहुत भी जो संभाल के रखा है वो बना रहा है, तो डेफिनेटली इसको BTST कर सकते हैं। 1150 तक का इसका लक्ष्य रहता है, नीचे की तरफ जो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो आप यहाँ पे 1115 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। ठीक है,